जब हम पहली बार जैकेन हगार से मिलते हैं तब वो योरन के गुट के साथ वॉल की तरफ जा रहा होता है। असल में ये किंग्स लैंडिंग के ब्लैक सेल्स में कैद होता है। ब्लैक सेल्स में वही अपराधी होते हैं जिन्होंने काफी खतरनाक जुर्मों को अंजाम दिया होता है। जैकेन अपने दो साथियों के साथ एक लकड़ी के पिंजरे में बंद होता है। उसके ये दोनों साथी किताबों के मुताबिक उससे ज्यादा खतरनाक हैं, मगर न जाने क्यों ये दोनों ही जैकेन से डरते हैं। वॉल की तरफ जा रहे योरन के कारवां में शामिल ये सारे लोग नाइट्स वॉच में शामिल होने वाले हैं। असल में आर्या यहाँ पर एक लड़के के रूप में सफर कर रही होती है। This man has the honor to be Jaqen H'ghar, once of the free city of Lorath. ये अपने आप को एक लोराथी बताता है। लोराथ एसोस की एक फ्री सिटी है। जब लैनिस्टर सोल्जर्स योरन के कैंप पर हमला करते हैं तब आर्या जैकेन और उसके साथियों की जान बचाती है। बाद में लैनिस्टर सोल्जर्स इस पूरे गुट को हैरन हॉल लेकर जाते हैं, जहां आर्या जैकेन को एक लैनिस्टर सोल्जर के कपड़ों में देखती है। बाद में सबसे नजरें छुपाकर जब जैकेन और आर्या अकेले में बात करते हैं तो जैकेन आर्या को कहता है कि वो उसके लिए कोई भी 3 कत्ल करने के लिए राजी है। असल में उसके मुताबिक आर्या ने जैकेन और उसके दो साथियों की जान बचाकर मैनिफेस्ट गॉड से 3 जिंदगियां चुरा ली। इसके बदले मैनिफेस्ट गॉड को 3 जिंदगियां चुकानी पड़ेंगी। आर्या अपने किन्हीं भी 3 दुश्मनों के नाम जैकेन को बता सकती है और वो उनका कत्ल कर देगा। The Red God takes what is his, lovely girl. And only death may pay for life. You saved me and the 2 I was with. You stole 3 deaths from the Red God. We have to give them back. आर्या इस बात को मजाक में लेती है, मगर बाद में जरूरत पड़ने पर वो जैकेन से हैरन हॉल में मौजूद 2 लोगों की जान लेने के लिए कहती है। जैकेन हुक्म की तामील करता है। आर्या जैकेन से अपने और अपने साथियों की मदद करने के लिए कहती है। वो यहाँ से आजाद होना चाहते हैं। इस पर जैकेन कहता है कि वो उसके लिए कत्ल तो कर सकता है, मगर ये काम नहीं कर सकता। आर्या जैकेन को 3रे नाम के रूप में खुद जैकेन का नाम सौंपती है। जैकेन कहता है कि वो खुद को नहीं मार सकता। इस पर आर्या उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि वो उसकी और उसके साथियों की मदद करे, नहीं तो वो अपना नाम नहीं बदलेगी। जैकेन आर्या और उसके दोस्तों को हैरन हॉल से भगाने में कामयाब होता है। आर्या जैकेन से कहती है कि वो उसकी तरह चेहरा बदलने का हुनर सीखना चाहती है। जैकेन उसे अपने साथ ब्रावोस चलने के लिए कहता है, मगर आर्या अपने घर लौटना चाहती है। जैकेन आर्या को एक सिक्का देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो इसे किसी भी ब्रावोसी इंसान को सौंप सकती है और उसे जैकेन हगार के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा। If the day comes when you must find me again, just give that coin to any man from Bravos and say these words to him. Vala Morghulis. बहुत वक्त बीतने के बाद आर्या ऐसा ही करती है और ब्रावोस पहुंचती है। शो में जैकेन हगार खुद आर्या को फेसलेस मैन की सारी ट्रेनिंग देता है, मगर किताबों में ये शख्स कोई और होता है। इसे काइंडली मैन कहा जाता है, जो एक बूढ़ा इंसान है। अब हो सकता है कि ये जैकेन हगार ही हो जिसने इस बूढ़े इंसान का रूप ले रखा हो। हम ये भी नहीं जानते कि जैकेन हगार का जो चेहरा हम देखते हैं पहली बार, क्या वो असल में उसका चेहरा है या वो भी सिर्फ एक रूप है। फेसलेस मैन कातिलों का एक गुट है जो पैसे और फेवर्स लेकर कत्ल करते हैं। ये इन किलिंग्स को मैनिफेस्ट गॉड के लिए बलि के तौर पर देखते हैं। मैनिफेस्ट गॉड गॉड ऑफ डेथ कहलाता है। ब्रावोस में एक इमारत है जिसे हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कहा जाता है। ये लोग यहीं रहते हैं। यहाँ अपना रूप बदलने से जुड़ी ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, इसके अलावा इंसान को मजबूत भी किया जाता है। फेसलेस मैन जब किसी का रूप धारण करते हैं तो वो न सिर्फ उसका चेहरा अपना लेते हैं, बल्कि उसकी आवाज, उसका कद, उसके बोलने और चलने का तरीका सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। ये सब सिर्फ ट्रेनिंग के बेसिस पर नहीं हो सकता, इसमें जादू टोना भी इन्वॉल्व है। बेसिकली ये सिर्फ किसी का फेस मास्क लगाना नहीं है, आपको खुद को पूरी तरह से मैनिफेस्ट गॉड को सौंपना होगा और तभी रंग रूप बदलने की ये क्षमताएं आपको मिल पाएंगी। Finally, a girl is no one. शो में वेव को मारने के बाद आर्या की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और जैकेन उसे नोवन कहकर बुलाता है। इसके बाद जैकेन की स्टोरी लाइन यहीं पर खत्म हो जाती है, मगर किताबों में किस्सा कुछ और है। ओल्ड टाउन में जब सैमविल पहली बार सिटेडल पहुंचता है तो यहाँ उसकी मुलाकात जैकेन हगार से होती है।
मेस्टर्स की ट्रेनिंग ले रहे पेट नाम के एक शख्स को जैकेन मार डालता है और उसका चेहरा इख्तियार कर लेता है। वो यहाँ सिटेडल में रूप बदल कर रह रहा है। फेसलेस मैन सिटेडल में क्यों इंटरेस्टेड है ये तो विंड्स ऑफ विंटर के आने के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल हम अंदाजे लगा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जैकेन ह'ghार सिटेडल में किसी कीमती किताब की तलाश में है। कुछ लोग मानते हैं कि जैकेन ह'ghार सिटेडल में ड्रैगन से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैकेन ह'ghार सिटेडल में किसी खास शख्स का इंतजार कर रहा था। हो सकता है कि वो सैमुअल से मिलने के लिए सिटेडल पहुंचा हो। जब तक अगली किताब नहीं आ जाती, अंदाजे लगाते रहिए और देखते रहिए वॉच रोज। एक मिनट सर, मैम कहाँ जा रहे हैं, भूल गए क्या? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वॉच रोज को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी जानकारी पहुँचे। एक्चुअली यहाँ नीचे एक बेल की बटन है, उस पर आपको प्रेस करना पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। अब नमस्कार।